हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज हम डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, उसका स्टेप्स चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, राइट डाउन द गिवन decimal without decimal point as the numerator of the fraction. स्टेप टू मैं सब समझाऊंगी आपको। स्टेप टू राइट डाउन, स्टेप वन क्या कहता है, राइट डाउन द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट। मतलब हमको जो गिवन डेसिमल दिए रहेंगे ना, उसको हम न्यूमरेटर, उसको न्यूमरेटर में लिख के उसका मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टेप टू, वो नंबर को हम पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे। स्टेप टू, इन द डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर। स्टेप वन में न्यूमरेटर लिखना है जो गिवन नंबर और डेसिमल दिए रहेगा, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर पार्ट, इन द डिनोमिनेटर राइट वन फॉलोड बाय as many zeros as there are decimal places in the given decimal. Okay, denominator में क्या करना है, हमारा जो गिवन डेसिमल दिए रहेगा ना, तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के बाद हम डिनोमिनेटर में वन के साथ उस उतना जीरो लगाएंगे, ठीक है। उतना जीरो हम लगाएंगे जितना हमारा जो गिवन डेसिमल दिया रहेगा, ठीक है। स्टेप थ्री, कन्वर्ट the above fraction, first denominator हो गया, first numerator हो गया, second denominator हो गया, तो वो हमारा क्या हुआ, एक fraction बन गया। तो convert the above fraction, मतलब ये दोनों मिला के जो fraction हुआ ना, the above fraction to the simplest फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल लेके हम समझाती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको 0.6 दिए रहेंगे, ठीक है, 0.6 दिए रहेंगे, तो हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 6 को लिखना है विदाउट डेसिमल, डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट। देखो, विदाउट द डेसिमल पॉइंट में लिख दिया, 6 लिखा इधर। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या कहता है, इन द डिनोमिनेटर राइट वन फॉलोड बाय आज मेनी जीरो। मैंने फर्स्ट वन लिख दिया, उसके बाद आज मेनी जीरोज आज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। कितना डेसिमल होगा, ये एक होगा, क्योंकि आफ्टर पॉइंट एक ही डिजिट है ना, तो ये हमारा 6/10 इसको बोलते हैं, ओके, 6/10। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, देन ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया। लास्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप थ्री, कन्वर्ट द एबव फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन को द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस ये 6 और 10 किसमें डिविजिबल, कौन से नंबर में डिविजिबल होता है, दोनों।
उसी को शॉर्ट फॉर्म में लाना है। ये हमारा टू में डिविजिबल होता है, 3/5 आंसर। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेती हूं, 0.25। अभी हम क्या करेंगे, ये दो नंबर है, पहला हमारा स्टेप वन क्या कहता है, हमको विदाउट डेसिमल हमको वो नंबर लिखना है न्यूमरेटर में, ठीक है। अभी वन डिनोमिनेटर में लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं, तो हमारा दो हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, थर्ड स्टेप कहता है, तो ये हमारा 25 में ये डिविजिबल हो जाता है 100, तो डायरेक्टली 1/4 हमारा आंसर है। ओके, ऐसे करके हम डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहां तक हमको लाना है। ओके, नेक्स्ट, अभी हम डेसिमल टू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, एग्जांपल 7.5। ओके, 7.5 को क्या करेंगे, रूल के हिसाब से हमको विदाउट डेसिमल पॉइंट हमको ये न्यूमरेटर में लिखना है, उसके बाद पॉइंट के बाद वन ऐड करना है डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद जितने नंबर रहेंगे उतना जीरो डालेंगे। अभी हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किया तो फाइव में ये हमारा कितना आएगा, 15, ये 2, तो अभी ये हमारा ग्रेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो डिविजिबल करना है 15 को 2 में, ओके इवन, तो 1/2 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। सिंपल, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, उसी मेथड में हमको फ्रैक्शन में लाना है और फाइनल हमको वो सिंप्लीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेती हूँ, ये एग्जांपल 1/2 में 24.8, तो हमको क्या करना है, 248/10, क्यों 10, देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इधर भी एक ही नंबर था, तो 10, ये 10 आ गया, पर 248 ये कौन से नंबर में डिविजिबल होगा, 2 में, ये 2 में डिविजिबल होगा, ये 0 है और 8 है उसका वंस प्लेस में, तो 1/24/5, तो ये भी हमारा इंप्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी क्या करेंगे, हमारा टोटल 24/5, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब हमको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में डेसिमल टू मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 124/5, ठीक है। इधर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में कर देती हूं, देखो ये हमारा 4 इधर है, ये 24 ये है, ओके, आपको ये देख के पता चल जाएगा कि मैंने इधर क्या किया है, आपको ये राइट में रफ में इसको करना है, बस आंसर इधर लिखना है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको, फाइनल आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, पर हमको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, मतलब ऐसे फॉर्म में लाना है, ओके, बस, और पर आपको स्टेप्स कौन सा लेना है, स्टेप्स आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन वाला स्टेप आपको अप्लाई इधर ही करना है। ओके, नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है, कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल, पहले हम क्या किए, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, ठीक है, तो अभी हमको एक फ्रैक्शन दिए रहेगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो दो टाइप का रहता है, एक फर्स्ट में हमारा 10, 100, 1000 ऐसे डिनोमिनेटर में रहेगा, नहीं, और सेकंड में आपको कुछ नंबर दिए रहेंगे, मतलब अदर देन 10, 100, 1000 आपका नंबर्स, मतलब 2, 4, 19, 20 कुछ भी ऐसे नंबर आपका दिया रहेगा, तो उसी फ्रैक्शन को कैसे करेंगे,
और अभी 10 100 वाला 100 1000 वो वाला स्टेप फर्स्ट करते हैं, चेक करते हैं। 7 by 17 by 10 इसको लेते हैं। 17 by 10 को हम कैसे कन्वर्ट, पहले इसको, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 1 plus 7 by 10 1 plus 0.7 डायरेक्टली हमारा 1.7। ओके, मेथड में अगर आपको जाना है तो ऐसे डायरेक्टली, मतलब ऐसे ऐसे स्टेप्स करके आपको जाना है। ओके, और एक देख लेके करती हूँ। 239 divided by 100 ओके, 239 divided by 100 2 plus 39 divided by 100 2 plus ये हमारा कितना होगा, 0.3939 आंसर। ये 1.7, ये 2.39 हो गया। नेक्स्ट और एक लेती हूँ। 2 1 0 3 divided by 100 ये 21 3 by 100 21 plus 3 by 100 इज इक्वल टू 21 plus 0.03 21.03 आंसर हमारा। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप, 1 step 2 step 3 step ये फाइनल हो गया। अगर आपको ऐसे दिए रहेंगे तो शॉर्टकट में आप कैसे देखोगे, देखो ये 1 0 है ना, आपको डायरेक्टली इधर पुट करना है, ठीक है। मतलब 17 divided by 10 को अगर आपको आंसर खाली में लिखना है तो आप 1.7 डायरेक्ट लिखना है। अगर 10 100 1000 कुछ भी ऐसे वाला नंबर आपका रहेगा डिनोमिनेटर में तो, ठीक है, तो ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है। देखो ये हमारा क्या हुआ, 20 है। 20 मतलब आप 2 प्लेस के बाद जाके, मतलब राइट से लेफ्ट लेफ्ट को जाना है, उसी हिसाब से आपको पॉइंट देना है। देखो ये 1 प्लेस, ये 1 प्लेस, उसके बाद हमको पॉइंट आ गया, ऐसे आपको जाना। इधर 2 है, ये 4 डिजिट वाला नंबर है, वो भी हमारा 2 प्लेस ही जाना है, क्योंकि नीचे हमारा 100 है, मतलब 20 है। ओके, शॉर्टकट में आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इधर और एक बार लिख देती हूँ, 100, तो हमारा 100 में 20 है, तो ये 2.39 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे जाना है, मतलब 20 मतलब ये राइट से एक प्लस टू प्लस उसके बाद एक पॉइंट डालना है। ओके, नेक्स्ट अभी हम जनरल मेथड फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वो क्या है जनरल मेथड, मतलब हमारा डिनोमिनेटर में 10 100 1000 नहीं होगा, अदर्स नंबर रहेंगे, वो कैसे, उसका स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाऊंगी। डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल ए नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, मतलब आपको न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर में नॉर्मल आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको
जीरो आएगा तो चलेगा, वो तो पूरा डिविजिबल हो जाता है। अगर नहीं जीरो आएगा तो नॉन जीरो रिमाइंडर, तब तक आने के बाद क्या करना है, स्टेप टू। अगर जीरो नहीं आएगा तो स्टेप टू, पुट ए डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड। ओके, डिविडेंड मैं इधर हाईलाइट करती हूं, डिविडेंड एज वेल एज इन द क्वोशेंट। ओके, मैं आपको वो एग्जाम्पल लेके आपको डिटेल्स में अभी समझाऊंगी। क्वेश्चन में हमको डेसिमल पॉइंट डिविडेंड में देना है और क्वेश्चन में भी देना है। सडन आपको मतलब नॉन जीरो नंबर आपका आ गया ना, उसके बाद मतलब डिविजिबल नहीं हुआ, जब तब जब नहीं होगा तब हम क्या करेंगे। अभी डेसिमल पॉइंट दे दिए स्टेप टू में, अभी स्टेप थ्री में पुट पुट ए जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड एज वेल एज ऑन द राइट ऑफ द रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, हमारा सेकेंड स्टेप है, हम डेसिमल पॉइंट दे दिए डिविडेंड में और क्वेश्चन में, हो गया। डेसिमल पॉइंट के बाद हमको क्या करना है, जीरो ऐड करना है। किधर जीरो ऐड करना है, जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद हमको जीरो ऐड करना है, वो ही डिविडेंड में और रिमाइंडर में, क्योंकि रिमाइंडर हमारा नॉन जीरो नंबर आया था, उधर हमको जीरो ऐड करना है। ओके, इधर हमको क्वेश्चन नहीं लेना है, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में हमारा डेसिमल पॉइंट दिया जाए रहेगा, पर इधर जीरो हमारा रिमाइंडर में रहेगा और डिविडेंड में रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, स्टेप फोर। डिवाइड अगेन जस्ट एज वी डू इन होल नंबर। जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं ना, डिविजिबल रूल लेके मतलब ऐसे डिवाइड करते हैं, वैसे हमको डिवाइड करना है। स्टेप फाइव, रिपीट रिपीट स्टेप फोर टिल, मतलब आप तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, टिल द रिमाइंडर इज जीरो। हो गया, ये हमारा स्टेप्स हो गया कंप्लीट। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे वो स्टेप्स, एक एक मतलब वन बाय वन हम स्टेप्स स्टेप्स को समझेंगे समझेंगे। अभी एग्जाम्पल लेके समझेंगे वो स्टेप्स को 29/4। इधर हम रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, डिवाइड किए हम एक नॉन जीरो नंबर आ गया, आने के बाद स्टेप टू पुट ए डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड एज वेल एज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा इधर, इधर एक पॉइंट देंगे और ये डिविडेंड एक पॉइंट दे देंगे।
स्टेप थ्री क्या कहता है, पुट ए जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड, ठीक है, पुट ए जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमको जीरो इधर देना है और एज वेल एज जीरो इन द रिमाइंडर, राइट ऑफ द रिमाइंडर मतलब ये जो नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में हमको जीरो डालना है, इधर जीरो डाले इधर भी जीरो डाले, पर पॉइंट इधर डालना है इधर डालना है, मतलब ये साइड में ये डिविडेंड हमारा है, डिविडेंड ये क्वेशेंट ये तो रिमाइंडर है। अभी क्या करना है, अभी हमको नॉर्मली जैसे हम होल नंबर में डिवाइड करते हैं, मतलब अभी जैसे हम डिवाइड किए ना उसी हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। अभी क्या करना है, फोर टेबल में टू, ये अभी टू आ गया, अभी टू आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी फिर से हम इधर जीरो डालना है, मतलब रिपीट करना है ये डिवाइड अगेन आज जस्ट आज डू इन होल नंबर्स, मतलब ये होल नंबर में जैसे हम डिवाइड करते हैं करते जाएंगे, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। अभी ये भी एक नॉन जीरो नंबर आ गया, तो अभी हमको क्या करना है, एक जीरो इधर देना है इधर एक जीरो देना है, ठीक है, मैं पहले इधर दे दिया था पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, इधर दो आया था ना, 10-8 हमारा 2 आया था, तो इधर मैंने 2 मतलब एक नॉन जीरो नंबर आ गया, ये डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब रिमाइंडर हमको जीरो लाना है, तो क्या करेंगे, इधर एक जीरो लाए और इधर एक जीरो लाए। अभी क्या करना है, अगेन हमको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये हमारा डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर हमारा जीरो, रूल कहता है जब तक आपका जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक आपको जीरो डालते जाओगे, इधर डिवाइड करते जाओगे, ओके ये हमारा हो गया, जीरो आ गया कंप्लीट। देयर फोर 29/4 इज इक्वल टू 7.25, ये हमारा डेसिमल आंसर कंप्लीट। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ओके नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, ये डेसिमल ये फोर फुल 7/8 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पर सेम रूल के लिए अभी ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमको क्या करना है, वो जाके पहले वाले वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल्स में समझा चुकी हूँ, वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हो। वी हैव 4 full 7/8 को कैसे लिखना है, 4 × 8 + 7/8 इज इक्वल टू 39/8, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, 39 मतलब न्यूमरेटर को अभी हमको डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, अभी क्या किया, अभी कौन क्या आया, नॉन जीरो नंबर आया, नॉन जीरो नंबर आने के बाद हमको क्या करना है, इधर पॉइंट देना है इधर एक पॉइंट देना है, मतलब डिविडेंड में एक पॉइंट देना है डेसिमल पॉइंट और क्वेश्चन में भी आपको पॉइंट देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डिविडेंड में एक जीरो ऐड करना है, इधर एक जीरो ऐड करना है, उसके बाद हमको नॉर्मल डिविजन करना है, नॉर्मल डिवीजन मतलब जैसे हम अभी किए उसी हिसाब से, अभी 70 आया, 70 को आपको 8 में डिवाइड करना है, 8 टेबल में वो कौन से नंबर में डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है, तो ये हमारा 64, ये 6
ये अभी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जीरो मतलब रिपीट करते जाएंगे, जीरो ऐड करते जाएंगे। इधर हमको जीरो ऐड करना है, मैं इधर ले लेती हूँ, 4.8 आया था, कंफ्यूज नहीं होना है, बस चेक करो आप। जीरो इधर डाला और इधर भी डाला, तो अभी फिर से जाना है एट टेबल में, ठीक है, एट टेबल में ये आ गया। अभी हमारा फोर ये भी नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब एट टेबल में ये फोर डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो देन अगेन हमको जीरो इधर ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। ओके अभी क्या करेंगे, ये फिर से एट टेबल में चेक करेंगे है कि नहीं, 40 मतलब तब तक हमको करना है रिमाइंडर हमको जीरो आने तक। ओके अभी आंसर देयर फोर फुल 7/8 इजिकल टू 4.875, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए हम, हो गया इजी। नेक्स्ट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स यूजिंग डेसिमल, ठीक है, 5 किलोमीटर 245 मीटर, तो हम इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल 5 किलोमीटर प्लस 245 मीटर, ठीक है, इजिकल टू 5 किलोमीटर हमारा रह जाएगा, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा हो गया। अभी हमको क्या करना है, प्लस 245 डिवाइडेड बाय, मतलब ये जो मीटर है हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 में ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, अभी किलोमीटर किलोमीटर हम ऐड हो गया, 5 किलोमीटर प्लस इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में आ गया ना, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो अभी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे है? देखो 30 है तो आपका 3 नंबर से पहले ही 0 आएगा, मतलब ये एक स्टेप टू स्टेप सॉरी ये एक स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप, 30 मतलब 3 स्टेप, ठीक है, आप आंख बंद करके इसको 1 10 100 प्लेस में 100 प्लेस के बाद आपको 0 देना है, क्योंकि हमको 1 के बाद 3 जीरोज हैं, हो गया, ये हमारा किलोमीटर, अभी 5.245 किलोमीटर टोटल, आज सिंपल इज दैट। ओके सेकेंड और एक लेते हैं और अच्छे से समझ पाओगे, 435 मीटर, 435 मीटर को हम क्या करेंगे, ये हमारा मीटर है, ठीक है, हमको डेसिमल में चाहिए तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा, हो गया, 1000 आने के बाद हमको क्या करना है, 3 प्लेस इधर 3 प्लेस इधर, तो 0.435 मतलब पॉइंट हमारा इधर आ गया, लेफ्ट को शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो ये हमारा आंसर डेसिमल में। ओके और एक लेती हूँ, 56 मीटर, 56 मीटर को कैसे करेंगे, 56 बाय अगेन 1000, क्यों 1000 लेते हैं हम ये मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, ये हमारा मीटर में दिए गए हैं, तो इसलिए हम 1000 डिवाइड कर रहे हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा 56, ये हमारा 2 नंबर है, इधर हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे, 0.056 किलोमीटर आंसर,
ओके अभी और एक समझाती हूँ, 4 मीटर मतलब एक नंबर वाला, ये 2 नंबर ये 3 नंबर, इजीली आप समझ पाओगे। 4 by 1000 अगेन 1000, 0.004 किलोमीटर, ठीक है, ये लेफ्ट को शिफ्ट होगा। ओके पॉइंट आपको 3 नंबर से पहले ही देना है बस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।